वेलकम टू आवर चैनल लिमरा एक सोच। आपकी सोच हमारी सोच, हम सब की सोच लिमरा एक सोच। लिमरा की सोच, आप एजुकेटेड बने और हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करें। आज जो हम आपसे बात करने वाले हैं हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में, कि हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए, व्हाई वी हैव टू स्टडी हिस्ट्री, इतिहास का जानकारी होना कितनी ज़रूरी है। एक किसी महान व्यक्ति ने कहा था, इतिहास से हमने यही सीखा कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। जो गलतियां हमारे पूर्वजों ने की थी, वही गलतियां आज हम बार बार करते हैं, सेम गलतियां को रिपीट करते हैं, और ये हमारी सबसे बड़ी भूल है, हमारी सबसे बड़ी हिमाकत है। अगर हम देखें, अगर पूर्वजों के इतिहास को उठा के देखते हैं, उन्होंने बहुत सारी गलतियां की, लेकिन हमने उससे क्या सीखा। अंग्रेज़ों के भी वक्त में, जब भारत देश हमारा गुलाम बना, उस समय भी जो गलतियाँ हुई, प्लासी के जंग में क्या गलतियाँ हुई, बैटल ऑफ प्लासी आप पढ़ें, बैटल ऑफ बक्सर पढ़ेंगे, ठीक है, इन सब में क्या मिस्टेक हुआ, एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, एंग्लो मराठा वॉर हुआ, ये सारी वॉर्स हुई, सारी जंगें हुई, लेकिन उससे हमने सीखा क्या, वही कि कुछ नहीं सीखा। जो गलतियाँ पहले होती थी, वही गलतियाँ आज भी होती थी। हमने वक्त के, जो वक्त का तकाजा है, जो वक्त का डिमांड है, था एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, पर हमने उस पर काम ही नहीं किया। आज भी आप सोसाइटी में चले जाएं, लोग एजुकेशन से बहुत दूर दूर तक कोई मतलब उनका वास्ता ही नहीं होता है। बहुत कम लोग हैं जो एजुकेशन से जुड़ते हैं और एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं, पर ये आपकी जिम्मेवारी थी और हमारी जिम्मेवारी थी कि हम एजुकेशन पर काम करें, हम एजुकेशन पर फोकस करें। पर क्या हमने इस बारे में काम किया और क्या नहीं किया, ये आपको इसलिए सोचने का मकाम है, और ये सोचना चाहिए और बहुत ज़रूरी भी सोचना। अगर आप देखें, अगर आप किसी के भी एग्जांपल ले लें, बहादुर शाह जफर का, तो बहादुर शाह जफर ने क्या गलतियां की थी। आखिर बहादुर शाह जफर जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, जिसको कहते हैं जंगे आज़ादी की पहली जंग, 1857 का जो गदर था, उसमें बहादुर शाह जफर की जिससे भी मिस्टेक्स हुई, जिसके कारण कि उनको फिर से क्या कर दिया गया, एग्जाइल कर दिया गया म्यांमार में, रंगून में, और वहाँ से उन्होंने शेर व शायरी की, और उसी शेर व शायरी में एक उसकी एक अच्छी सी लाइन है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो मैं आपसे यहाँ पे कोट करना चाहता हूँ। कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए, कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए, दो गज जमीन ना मिली कुए यार में। यानी कि आप सोचें, बहादुर शाह जफर जो आखिरी वक्त तक यही चाहते थे उसको मरने के बाद हिंदुस्तान में दफन किया जाए, पर उनको दफन कहाँ गया, दफनाया गया म्यांमार में, वर्मा में, रंगून में, जिसको आप कहते हैं, जो मॉडर्न डे म्यांमार है, वहाँ पर उनको दफन किया गया। तो उन्होंने ये चीज़ लिखा था कि कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए, दो गज जमीन न मिली कुए यार में। अगर और भी आप देखें, टीपू सुल्तान, एंग्लो मैसूर वॉर, चार एंग्लो मैसूर वॉर होते हैं, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। उससे भी हमने क्या सीखा, हमने क्या टेक्नोलॉजी पे फोकस किया, एजुकेशन पे फोकस किया, नहीं किया। फिर हम आते हैं एंग्लो मराठा वॉर पे, आप वहाँ पे देख लें क्या गलतियाँ हुई। तो इसलिए कहा जाता है हिस्ट्री हमें पढ़ना चाहिए और हमें हिस्ट्री की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। फिर उससे आप आगे आएँ, एंग्लो अफगान वॉर देखें, तीन अफगान वॉर होते हैं, एंग्लो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, सेकंड एंग्लो अफगान वॉर एंड थर्ड एंग्लो अफगान वॉर। फिर आप देखें एंग्लो पंजाब का, एंग्लो सिख वॉर जिसको आप कहते हैं, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, सेकंड एंग्लो सिख वॉर। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, ऐसा नहीं था कि उन्होंने सब जगह एक ही साथ जंग छेड़ दिया था, बल्कि उन्होंने स्टेप बाय स्टेप, स्लोली स्लोली उन्होंने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को कैप्चर किया। तो हमें भी लाइफ में पहले छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए और फिर हमें कुछ करना चाहिए, ये नहीं कि एक ही बार हम चाहेंगे कि सब कुछ खा लें, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। पिज्ज़ा भी खाना है तो टुकड़े में खाना है, पीस पीस करके खाना है, स्लाइस करके खाना। अब ऐसा नहीं है कि बस एक ही बार लिया पूरा पिज्ज़ा मुँह में डाल दिया तो हजम नहीं कर पाओगे। सेम वे हिस्ट्री में भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको यही समझ में आएगा कि हमने जो गलतियाँ की थी, यानी हमने, मतलब कहने का मतलब है कि हमारे फोरफादर्स ने, हमारे पूर्वजों ने, वो गलतियाँ हमें नहीं करनी, हमें एजुकेशन पे काम करना है, और एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट ही चीज़ है। किसी भी सोसाइटी को तरक्की करना है, किसी भी सोसाइटी को राइज करना है, किसी सोसाइटी का जब उरूज होता है वो शिक्षा के जरिए से होता है। शिक्षा ही वो माध्यम है जिसके थ्रू कोई भी सोसाइटी तरक्की करती है, कोई भी सोसाइटी ऊपर की ओर उठना शुरू करती है। और जैसे ही वो सोसाइटी शिक्षा को छोड़ती है, जस्ट उसका जवाल आना शुरू हो जाता है, मतलब वो सोसाइटी फॉल करती है। कहते हैं ना, राइज एंड फॉल ऑफ सोसाइटी इज लिंक विद द एजुकेशन, यानी सोसाइटी का चाहे उरूज हो या जवाल हो, वो हर चीज़ किससे होता है, तालीम से होता है। अगर तालीम नहीं होगी तो ना उरूज होता है ना जवाल होता है, बस वो ख़त्म हो जाती है, सफाई हस्ती से वो चीज़ मिट जाती है, और यही चीज़ हमें समझना चाहिए। अगर आपने एक बहुत अच्छा कोट सुना होगा, गवादी असलाफ से हमने जो मीरास पाई थी, गवादी असलाफ से हमने जो मीरास पाई थी, सुरैया ने आसमां से जमी पे हमको दे मारा। मतलब क्या था, जो हमने अचीवमेंट हासिल किया था, और आज वो अचीवमेंट हम क्या हासिल किया, हमने जीरो। अगर अर्लियर टाइम्स में जाएं तो हमारे फोरफादर्स ने, हमारे एंसेस्टर ने बहुत सारे
मतलब जिंदगी में उन्होंने अचीवमेंट हासिल किया, पर आज का अचीवमेंट क्या है हमारा? जीरो। हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है? जीरो। हम सोसाइटी में कहाँ अपने आप को खड़ा पाते हैं? आप खुद देखें, खुद जज करें। किसी भी सोसाइटी का चले जाएं और किसी भी स्टेट में चले जाएं, हर जगह का आपको वही हाल मिलेगा। जो सोसाइटी, जो कम्युनिटी एजुकेशन के रिगार्डिंग अवेयर होती है, टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग अवेयर होती है, वही सोसाइटी तरक्की करती है। और जो सोसाइटी अवेयर नहीं होती है, फिर आप उसके बारे में जानते हैं उसका क्या हाल होता है। तो यही चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कम से कम अपने इम्पोर्टेंस को जानो, पहचानो खुद को, अपने दुश्मनों को पहचानो, अपने आप को जानो। और शिक्षा एजुकेशन के थ्रू कुछ कर सकते हो। कुछ भी करना है एजुकेशन में आना ही पड़ेगा, ये मैं बार बार कहता हूँ, अभी भी मैं कहूँगा। इफ़ यू वॉन्ट टू डू एनी थिंग यू हैव टू कम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। आप एजुकेशन से कुछ भी कर सकते हो। डॉक्टर बनना है डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनना है इंजीनियर बनो, टेक्नोक्रेट्स बनना है ब्यूरोक्रेट्स बनना है, एवरीथिंग यू कैन अचीव विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। और सही लोगों को, सही मेंटोर को तलाश करो लाइफ में। कहते हैं ना, अगर ज़िंदगी में सही मेंटोर नहीं होंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। एक अमेरिकन फिलेंथ्रोफिस्ट है जिसका नाम मैं लेना चाहूँगा, विल रॉजर्स जिसको कहते हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छा कहा था, बहुत अच्छी सेंटेंस है। अ मैन लर्न बाय टू थिंग्स, नंबर वन विद द हेल्प ऑफ मेंटोर एंड नंबर टू विद द हेल्प ऑफ गुड बुक्स। तो या तो ज़िंदगी में सही मार्गदर्शक होना चाहिए या फिर ज़िंदगी में सही किताबें को पढ़ना चाहिए। पर आज हमारा ये हाल है, ना ही हमारे पास सही मार्गदर्शक है और ना ही हमारे पास सही किताबें हैं। आप किसी भी कम्युनिटी को देख लें, किसी भी सोसाइटी को देख लें या किसी भी नेशन को देख लें, उन्होंने तरक्की किया है तो सिर्फ एजुकेशन के थ्रू और जो वक्त का डिमांड था उनके थ्रू। यहाँ पर भी वही चीज़ आपको मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षा में काम करें, एजुकेशन पर काम करें। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो अपनी बात को मैं ख़त्म करना चाहूँगा कि तहजीब ही सिखाती है जीने का सलीका, तहजीब ही सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। तो जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपके पास कल्चर भी होगा, आप सिविलाइज बनेंगे। थैंक यू।